नवदुर्गा इन्वेस्टमेंट में ही 4% का ब्याज मिलता है। मैंने खुद अकाउंट खोला है। नमस्ते। आप फिक्र मत कीजिए, सब मेरे जान पहचान के हैं। हाँ कलेश बाबू नमस्ते। आइए आइए विद्याचरण जी, आप हैं मेरे मित्र सत्य प्रकाश जी। बैठिए बैठिए बैठिए। थैंक यू विद्याचरण जी, आपका गए महीने का ब्याज रेडी है? अरे उसका मुझे चिंता ही नहीं है। सुनिए, ये बैंक में जो कुछ बचा कुचा था सब निकाल के लाया हूँ, नवदुर्गा में जमा कर लीजिए। ठीक है। सुनिए, बैंक वाले 4% ब्याज थोड़ा ही देंगे। वो तो है ही। इनको भी थोड़ा पैसा जमा कर, ये मैं अपने प्रोविडेंट फंड के सारे पैसे निकाल के आपके यहाँ जमा करने लाया हूँ, क्योंकि मेरी 3 बेटियां हैं और 1 बेटी की शादी तय हो गई है। अच्छा, मैंने सोचा कि मेरी बाकी 2 बेटियों के लिए शादी धूमधाम। वो तो है ही। बेटे जी, पिताजी जल्दी से जाके घोर पड़े अंकल को ये पैसे दे दो। अच्छा, और सत्य प्रकाश जी को रिसीट दे दो। ओके। ये विद्या जी के पैसे, उनको भी रिसीट दे दो जल्दी। जी पिताजी। और इनके गए महीने के ब्याज के पैसे ले आओ। हाँ हाँ जी पिताजी। कैलाश जी माफ कीजिएगा, ये लड़का मेरा बेटा है। कॉलेज की छुट्टियां चल रही है, मेरी मदद कर रहा है। आइए पास करो, आओ धनीराम गुदालाला। नमस्कार। अरे वाह भाई कैलाश नाथ, तुमने तो कमाल कर दिया। अरे पब्लिक को इतना भरोसा है तुम पे। बैंक का मैनेजर जो था वो काम छोड़ दिया, तो आप लोगों ने ये काम सौंप दिया। अरे आज का कलेक्शन कितना है? मैंने गिना तो नहीं, लेकिन घोरपड़े के पास अकाउंट होगा, अभी देख के बताता हूँ। हाँ, यो ही ना चोखी बात कैलाश जी। घोरपड़े आज कितना कैश जमा हो गया? पूरे 4.5 लाख जमा हुए हैं। खुदालाला, धनीराम और भास्कर तीनों बड़े खुश हो जाएंगे। अरे साला इसमें अपन लोग बहुत माल कमाएगा। मैं तो साला अपना दारू का भट्टी बंद करके शराब का फैक्ट्री खोल डालेगा। मैं भी अपना गैरेज बंद करके ट्रांसपोर्ट का धंधा शुरू करेगा। भाइयों मैं कोई उल्लू को पट्टो हूँ, मैं भी मारी कोयले की दुकान को तालो मार दूंगा और खोल दूंगा चमचमाती हीरे जवाहरात की दुकान। इतना बड़ा घर यहाँ बेटी? ये किसका घर है? ये हमारा घर है, मैंने खरीदा इसे। हमारा घर? लेकिन आपके बगैर से तो इतना बड़ा घर नहीं बन सकता। हमारी किस्मत ने हमारा साथ दिया है दुर्गा। जो मैंने नया बिजनेस शुरू किया है उसमें इतनी तरक्की हो गई कि उसी में से ये मकान खरीद लिया है मैंने। अब तो खुश हो ना? खुश? मुझे तो इस खुशी से डर लग रहा है। तुम औरतों की यही बात, किसी भी हालत में खुश नहीं रह सकते। इसमें डरने की क्या बात है, अपने मेहनत की कमाई है। कैलाश नाथ जी, जिन लोगों ने पैसे जमा किए वो सब ब्याज मांग रहे हैं, उनको कब ब्याज देंगे हम? अरे मैंने पास्कल, हुदालाला, धनीराम तीनों से बात की थी, उन्होंने सारा पैसा बिजनेस में लगा दिया है। बस घोरपड़े आपको 1-2 महीने संभालना पड़ेगा। मुझे उन तीनों के लक्षण ठीक नहीं दिखाई देते। कंपनी आपके नाम पर है, अगर कल को कुछ हो गया तो फंसेंगे आप। वो तो बाहर के हैं, उनका क्या जाएगा? घोरपड़े आप सबको शक की निगाहों से देखते हो, वो लोग ऐसे नहीं है। आपके बेटे को भी तो अच्छे बोर्डिंग में रखकर पढ़ा रहे हैं वो लोग। हेलो कैलाश साहब, मैं विद्याचरण बोल रहा हूँ। क्या हुआ साहब, नवदुर्गा इन्वेस्टमेंट से 3 महीने से ब्याज नहीं मिला? अरे फिक्र मत करो, जल्दी ब्याज मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा साहब, जब भी मैं आपको टेलीफोन करता हूँ आप बोलते हैं मिल जाएगा, मिलता मिल जाता कुछ है नहीं। अरे बोला ना एक बार मिल जाएगा, बार बार फोन नहीं करने का, समझे? आई एम बिजी। हाँ बहुत काम है मुझे।
हेलो हेलो, लो साले टेलीफोन भी रख दिया। हेलो, अरे वो मेरे रुपयों का क्या हुआ? अरे मैंने तुम्हारा रुपया खा लिया है क्या? नवदुर्गा इन्वेस्टमेंट में जमा किया है, समझे? मिल जाएगा। हेलो, तुझे किसने कहा फोन उठाने को? अगर आप कोई पूछे तो कह देना मैं घर पे नहीं हूँ। मुझे इसी बात का डर था। मैं अब भी कहती हूँ आप उन तीनों का साथ छोड़ दीजिए, वो तीनों अच्छे नहीं हैं। चुप रहो, हमेशा मनहूस बातें करती रहती हो। जिसके पास रुपया नहीं उसकी कोई कदर नहीं। चाहिए हमें ऐसा रुपया जो घर का सुख चैन झील ले। तुझे नहीं चाहिए लेकिन मुझे चाहिए। जाओ जाकर अपना काम करो। कैलाशनाथ जी, अच्छा हुआ आप मिल गए, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। हमने जिन लोगों से पैसे जमा किए थे ना, वो सब लोग पैसा मांग रहे हैं। हाँ, मरने मारने पर तुले हुए हैं। मैं अपनी जान बचाकर ताला बंद करके आया हूँ। मैं कहता हूँ आप कुछ कीजिए ना। ठीक। अरे भाई 15 दिन से ऑफिस नहीं खुल रहा है, देखो क्या बात है। अरे क्या देखे, मेरा जिंदगी भर के पूंजी बर्बाद हो गया। अरे तुम्हारी वजह से तो मेरी भी सारी पूंजी बर्बाद हो गई। अरे मैं खा दिया क्या तुम्हारा पैसा? तो फिर देखते क्या हो? देखते क्या हो? तोड़ दो दरवाजा। दरवाजा तोड़ने से पैसा थोड़ा ही मिल जाएगा, पैसा क्या अंदर पड़ा हुआ है? इससे बेहतर है चलो उसके घर चलते हैं। अरे चोर क्या है? मुझे क्यों पकड़ते हैं आप? उन तीनों को पकड़ो ना। चलो बैठो, चलो। नवदुर्गा इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन के मुकदमे के तमाम सबूत और गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि हुदा लाला, पास्कल और धनीराम गोलचा का नवदुर्गा इन्वेस्टमेंट की रुपयों की हेराफेरी से कोई ताल्लुक नहीं है और नवदुर्गा इन्वेस्टमेंट के मालिक कैलाश नाथ को जनता का पैसा लेकर फरार होने के जुर्म में ये अदालत उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी करती है और कैशियर घोरपड़े को कैलाश नाथ का साथी करार देते हुए 7 साल कैदे बामुशक्कत की सजा का हुक्म देती है। मैं बेगुनाह हूँ जज साहब, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, मुझे माफ कर दीजिए जज साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। ऑर्डर ऑर्डर। क्या ना साला 7 साल के लिए अंदर हमसे पंगा ले रहा था। और साला कैलाश नाथ भी कब तक बच के रहेगा पुलिस से? चल। भैया, तुझे ज्यादा मारा तो नहीं? माँ, मैं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं बेटे, भूल जा पिछली बातों को। अब तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? तेरे पिताजी न जाने हमें छोड़कर कहाँ चले गए। अब अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं तेरे छोटे भाई बहन को लेकर कहाँ जाऊंगी? इनके साथ कैसे जीऊंगी मैं? खा मेरी कसम, कैसा तू कोई काम नहीं करेगा जो तुझे मुझसे दूर कर दे। खा कसम। ठीक है माँ, मैं आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो मुझे नहीं करना चाहिए। मैं कसम खाता हूँ।
माँ ये लो इस महीने की पगार। अरे ये क्या, अपना सारा पगार मुझे दे दिया? अपने लिए कुछ रखा भी कि नहीं? अरे माँ मेरा खर्चा ही क्या है। 100 रुपए रख ले, रख ले मैं कहती हूँ। जिस तरह तूफानी समंदर में माझी कश्ती को डूबने के लिए छोड़ जाता है, उसी तरह ही हमें छोड़कर चले गए और तुम इनकी तस्वीर की पूजा कर रही हो। भैया गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पॉकेट मनी? ओहो, एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स भूल सकता है, फाइनेंसर अपना ब्याज भूल सकता है, लेकिन ये छुटकी अपना पॉकेट मनी छोड़ नहीं सकती। छोड़ दूंगी भैया, छोड़ दूंगी। कब? तेरी विदाई होने के बाद। अच्छा ये बता, मेरा वो छुटका ब्रदर कहाँ है? 2 घंटे पहले माने सूजी लाने भेजा था, पता नहीं कहाँ है। खबरदार, अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो गोली मारकर खोपड़ी उड़ा दूंगा। तुम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया है, अगर अपनी अपनी जान प्यारी है तो भागने की कोशिश मत करना और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। चलो अपनी अपनी जगह से हिलना मत। अरे अरे साला पुलिस वाला बनता है, पुलिस की आवाज देकर हमको डराता है। बाप रे, ये लोग कहाँ से आ गए? एक काम करते हैं निकल चलते हैं, वरना खामखा लेने के देने पड़ जाएंगे। चल चल। अरे जाता किधर है? अरे भाई साहब आप बुरा क्यों मान गए? मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। ये आपकी टोपी और सर आपका शर्ट और ये मैं रख लेता हूँ। चल बे। अरे भागता किधर है? नुकसान का तेरा भाग देगा। भैया आप क्या हुआ, क्या हुआ रे? जो हमारा नुकसान हुआ है उसका भरने बोलो इसको पैसा, और नहीं भरेगा तो हम छोड़ने वाले नहीं है। अच्छा साले मुझसे नाटक करते क्या? क्यों वे लंगूर मुझे मारने आया था? क्यों और खाएगा? नो अच्छा मान ले। ओ भाई साहब। हाँ ये सब तो समझे लेकिन यहाँ हो कह रहा था। अरे भैया मैं क्या करूँ, मैंने तो बीए पास कर लिया, मैकेनिकल डिप्लोमा ले लिया, यहाँ तक कि मैंने ड्राइविंग भी सीख ली, लेकिन क्या करूँ नौकरी नहीं मिलती, इसीलिए मैं बेकारी में टाइम पास कर रहा था। टाइम पास कर रहे? हाँ। और वहाँ माँ सूजी के लिए बैठी हुई है। चल अरे, चल अरे प्लीज भैया। अरे छोरी, अरे तने दिखाई को नहीं देवे, अंधी है के? अंधी है हूँ सेठ। अरे हमारा तो ऐसा बुरा समय चल गयो कि इस भरी जवानी में ये बांका सजीला बदन दोनों आंखों से अंधा हो गयो। अरे हमारी गांव वाली छोरी, अरे तने देख के तो मैं अंधो हो गयो हूँ। तुम्हारी मदद से ना सेठ मुझे वो रास्ता पार करा दे। हाँ 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 हाँ, कठे जानो है।
वो वहाँ 4-5 लैंप जल रहे हैं ना, बस वहीं पर अंधी गली में। लैंप जल रही हो है? अरे तने कैसे पता चली हो के लैंप जल रही हो है? तू तो अंधी है। हरी सेठ, मैं जन्म की अंधी थोड़ी हूँ, वो तो समय की मार ने मुझे अंधा कर दिया। दो मत, दो मत, चल चल चल। कौन सा गाँव है थारो? मारो गाँव लुटैयापुर। लुटैयापुर? ये क्या नाम है गाँव को? अरे सेठ, ताथैयापुर सुना है ना? बस उसी के बाजू में पापैयापुर। पापैयापुर से 420 किलोमीटर पर अय्यापुर। अय्यापुर से 911 मीटर पर लुटैयापुर। लुटैयापुर, वही की लुटेरन हूँ मैं। लुटैयापुर की लुटेरन? अरे वाह लुटेरन, बाबा अरे के नाम है थारो मारी लुटेरन, अब लूट लूंगा अपने में। अरे ये क्या खींचो भाया? दीदी दीदी खींच लिया फोटो। अरे अरे मैंने खींच लिया है। रामपुरी है सेठ, पूरे छेंच का। रामपुरी? खाने का तो तितली सिर्फ 3 पूरी खाती है, पानीपुरी, सेव पूरी और भेलपुरी, मगर खिलाती है रामपुरी। बचाओ बचाओ। अबे चुप, चिल्लाता क्या? चिल्लाओ तो मुझे चाहिए। अकेली छोकरी देखे चांस मारता है क्या? देख इसकी धारणा बहुत तेज है, चिल्लाओ तो और पार कर दूंगी। चल निकाल मार, माल निकाल। दीदी दीदी फोटो खींच दे, पुलिस में जाएंगे। और नोट नहीं है? ठीक है, ये नोट नहीं तो क्या इंडिया गेट है? मिल गया ना, अब मैं जाऊँ मेरी माँ। चल फुट, क्या कहते मोटा कहीं का। अंटर पंटर, अब इसका क्या किया जाए? आइसक्रीम खाया जाए। चलो अबे चंदू, चलती नहीं से निकाल जल्दी। पहले पैसे निकाल। तुझे क्या लगता है मैं उधार खाने आई हूँ? ये देख रोकड़ा लाई हूँ, जल्दी निकाल। अच्छा देता हूँ, ये ले। आओ तू भी ले। दी हाँ। मस्त है ना? ए, ये नोट नहीं चलेगा। कैसे चलेगा, इसके क्या पाँव है जो चलेगा? ये फटेला है देख देख। तो क्या मेरे घर में छपेला है? चल 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 दूसरा दे चल। देख अब दूसरे नोट के लिए मेरे को दूसरा बकरा पकड़ना पड़ेगा। हाँ अब तू बकरा पकड़ चाहे खंबा पकड़, मेरे को नोट चाहिए। बच्चों आईसी वापस कर दो। ए, ये झूठी है। तो अखे शहर में सच्चा क्या है? सब कुछ झूठ है मालूम। देख अभी अपन 100 पे फोन करके पुलिस को बुलाएगा। अरे खाली पेट पुलिस को क्यों बुलाता रे? कितना हुआ तेरा? 30 रुपया। 30 रुपया साला हलकट। ए गाली किसको देती है? अरे तेरे को नहीं रे, उस मोटे को। साला फटेला नोट थमा गया गधा। दीदी दीदी इधर आ बकरा। ए ए ए आती हूँ ना। आई लव, बड़ा तगड़ा दिखता है रे। छड़ी लाओ। लो तुम लोग भागो यहाँ से, चलो भागो। ठीक है। अरे कहीं चोट तो नहीं लगी? बाबूजी जब तक तुम जैसे दयालु लोग जिंदा हैं, हमका कोनो चोट नहीं लग सकती। जाना कहाँ है? हाँ वो मैदान है ना, उसके उस पार। अकेली हो ना डर लगता है, तेरा पार करा दो ना। हाँ आइए आइए आइए। तुम्हें रात के वक्त अकेले बाहर नहीं आना चाहिए था। हम अकेले कहाँ हैं बाबूजी, ये भी तो है हमारे साथ। ये क्या है? चल बे शाने, शान पत्ती नहीं है। माल निकाल माल। दीदी फोटो, दीदी बहुत एक्शन। अच्छा अच्छा अच्छा, तो लोगों को बेवकूफ बना के पैसे लूटती रहती हो। देख भाषण नहीं चाहिए, टाइम नहीं है, जल्दी से माल निकाल, नहीं तो। नहीं तो क्या कर लेगी तू? चिल्लाऊंगी कि तू मेरी इज्जत लूट रहा है। बचाओ बचाओ, कोई मेरी इज्जत बचाओ, प्लीज बचाओ। पुलिस पुलिस। तू क्यों चिल्ला रहा है? मैं तेरी इज्जत लूट रही हूँ क्या? मैं तुझे अभी बताता हूँ। पुलिस मुझे माफ कर दे, मैं जा रही हूँ। हाँ चल चल भाग ले। चलो दीदी अपना तो रॉन्ग नंबर लग गया। ए ए ए मेरे 30 रुपए। तेरे को 30 रुपए चाहिए? हाँ आग बंद कर। साला क्या जमाना आ गया। चुटकी भैया। गुड मॉर्निंग भैया। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या बात है? आज कौन सा दिन है भैया?
गुरुवार ना, स्पेशल वार। स्पेशल वार? हाँ, मैं नई चूड़ी पहनी हूँ। पहनी है? ड्रेस भी पहनी हूँ। पहनी है? सैंडल भी पहनी हूँ। हाँ पहनी है। बोलो क्यों? क्यों? आज कौन सी तारीख है भैया? हर महीने की 17 तारीख। देखो देखो माँ, तुम कहती हो भैया मुझे बहुत प्यार करते हैं, भैया को तो कुछ याद ही नहीं है। अरे कैसे याद नहीं है, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि आज मेरी छुटकी का जन्मदिन है। मेरी उम्र तुझे लग जाए, जन्मदिन मुबारक। क्यों छुटकी, इतने सस्ते में भैया को छोड़ेगी, कुछ तो मांग। भैया मेरा प्रेजेंट? अरे कब से लेके रखा हूँ, तूने तो सस्पेंस का मौका ही नहीं दिया। एक मिनट। क्या हुआ भैया? इसमें मैंने घड़ी रखी थी। कहाँ रखी थी? पॉकेट में, यहाँ सुबह कोई आया था? नहीं तो? जब तक तुम जैसे दयालु लोग जिंदा हैं, हमका कोनो चोट नहीं लग सकती। दीदी दीदी ये टेप लगाओ। ये तो आपका टेप है, लाला जल्दी ला चुपका देती हूँ। चिपक गया। बाप रे, क्या हुआ दीदी, कोई बकरा देखा क्या? बकरा नहीं रे, चीता, वो देख। भाग भाग भाग। ए, 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 हम लोग भाग क्यों रहे? हाँ, भाग क्यों रहे? भाग क्यों भाग रहे? ए कंजूस, मैंने तुझसे कुछ लिया क्या? मेरे पीछे क्यों पड़ा है? कल जो तूने घड़ी उड़ाई है, चल निकाल। घड़ी? काहे की घड़ी? कौन सी घड़ी? अच्छा? कैसी घड़ी? हाँ। अगर तूने सीधी तरह से घड़ी नहीं निकाली ना, तो आने वाली घड़ियां तुझे जेल में गुजारनी पड़ेगी। तू मुझे जेल भिजवा चाहे फांसी पे लटका, मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की। हाँ अच्छा, तो ऐसे नहीं मने। अरे अरे अरे, मैंने चोरी नहीं की। बकवास बंद कर, साहब आप फिकर मत कीजिए, हमारा साहब बहुत कड़क है, वो जब आएगा इससे सब उगलवाएगा, आपकी घड़ी मिल जाएगी। जाइए आप कल आइए। मैं चोर नहीं हूँ। भैया घड़ी मिली? नहीं। मिलेगी भी नहीं। क्यों? एक घड़ी दो जगह में कैसे मिलेगी? दो जगह? तुझे घड़ी कहाँ मिली? भैया घड़ी तो आप शॉप में भूल आए थे, ईमानदार था वो दुकानदार जो घर पर दे गया। मैंने चोरी नहीं की आई शपन, मैंने चोरी नहीं की। कॉलो, मैं चोर नहीं हूँ। ए पुरी, चल बाहर। अरे सुनो, अरे सुनो सुनो, देखो अनजाने में मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर देना। कितनी आसानी से कहती है माफ कर दो। साला भेड़ बकरी का माफक लेकर अंदर पटक दिया और अब बाहर निकाल दिया जैसे तितली को इंसान नहीं कचरा है। हाँ साहब, हम लोग तो गरीब है ना, और गरीबों का इज्जत कहाँ होता है? इज्जत तो तुम जैसे लोगों का होता है, इसलिए हम लोग सब कुछ सहते हैं। छुटा इल्जाम। देखो मैं भी तुम्हारी तरह गरीब इंसान। बस साहब बस, बहुत हो गया। लेकिन एक बात याद रखना साहब, तितली चोर नहीं है, तितली चोर नहीं है। हाँ साला 4 घंटे छेड़ में सड़ गए, साला काली कंजूस, कुछ नहीं हो सकता। अरे सुनिए, ये किधर रखूं? ए, ये सब लोचा लबाचा किसका है? अरे भाई ये लोचा लबाचा नहीं है, ये टीवी है। तो मैं कब कहती हूँ वीटी है, टीवी ही है। लेकिन ये चोरी का माल मेरे घर में नहीं चाहिए। हाँ बेटी, चोरी का माल नहीं है, अपुन खरीदा है रोकड़ा देके। ए मामा, ये क्या लूटमार का माल है? आज अपुन का मटके में आंकड़ा लगा, 3-7 मेंढी 2-7 मेंढी 90 से मेंढी।
मैंने लाया टीवी, चल रख। अरे मामा तूने तो कमाल ही कर दिया। अरे बेटी मटका लगाते लगाते एक आध दिन तो मटका लगता है, आज आंकड़ा लग गया और आ गया टीवी। वाह मामा, ये टीवी भोसाली बाजू वाली मोटी के पास टीवी देखने जाना नहीं पड़ेगा, बच गए उसकी कटकट से। चलो टीवी देखते हैं। चलो मामा। पिताजी, अरे ऐसी नजर से मत देख, कहीं सुरंग की तरह फटफटा कर चिंदी हो गया ना तो सिलना भी मुश्किल हो जाएगा। तेरा बाप मेरे बाप की सजा काटते काटते जेल में मर गया, जब भी तुझे देखता हूं तो अपने आप से नफरत होने लगती है। अरे फिर वही बात, काय को गड़े मुर्दे उखाड़ता है, देख यहां सब कुछ लिखा हुआ रहता है, तकदीर के कंप्यूटर में सब कुछ फिट है, उसको कोई नहीं बदल सकता। उल्टा तूने मेरी मदद की, आज जो भी कुछ मैं हूं ना तेरी वजह से, दोस्त एहसान है तेरा एहसान। अरे क्या हुआ, अरे क्या हुआ? लगता है बेचारा मर जाएगा, अमीर आदमी गरीब मजदूर होकर मर गया। जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ, जल्दी ले जाओ इसे। इस आदमी ने नवदुर्गा इन्वेस्टमेंट में पैसे जमा करवाए थे, वो हरामखोर कैलाशनाथ गरीबों का सारा पैसा खाकर भाग गया। वो हर आदमी जो नवदुर्गा इन्वेस्टमेंट के हाथों बर्बाद हुआ है इसी तरह लाश बन के मर रहा है। जैसे बेटा अपने बाप की अर्थी उठाता है वैसा हर बेटा अपने बाप का कर्ज भी चुकाता है। बोल, क्या भी अपने माँ का वचन निभाएगा या उन लोगों की तिजोरी में हाथ डालकर ऐसे बेमौत मरने वालों को उनका हक देकर उन्हें बचाएगा? बोल। ये देख, पहचाना इसे? कोयले वाला नहीं, हीरे जवाहरत वाला। शहर में सोने की सबसे बड़ी दुकान खोली है इसने, इतनी ऊंची उड़ान कहां से मारी इसने? लेकिन इसने तो कोर्ट में कहा था कि नवदुर्गा इन्वेस्टमेंट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा अच्छा, लूट का माल साला बिजनेस में लगाता है। क्या सोच रहा है? बेईमानों का हिसाब अब बेईमानी से होगा। होना ही चाहिए। आओ जी पधारो, जी पधारो। कैसे हाल? क्या बोला? अल्हम्दुलिल्लाह, हमको माल चाहिए, माल डायमंड। ओ डायमंड, आओ जी पधारो, जी पधारो। अरबी सौदागर आयो है, खूब पैसों लायो, उधर का माल दिखा। ये इधर। अच्छा, ये 1,10,000, ये 2,20,000, ये 3,30,000, ये 4,40,000, ये 5,50,000 रखते हैं। कितना हुआ? कितना? 15,50,000। बिल पैकिंग करो, पैकिंग करो, ले जाओ, पैक करो। बिल बिल नहीं, इनकम टैक्स नहीं, सेल टैक्स नहीं। अरे ऐसे ही तो बकरे हमको चाहिए, अरबी सौदागर आयो है, खूब पिसल आयो है। ये देख, दो, ये चार, ये आठ, ये दस, ये बारह, ये पंद्रह, ये पच्चा। अरे माल ला, माल पैक कर, जल्दी पैक कर, संभाल के बिल्कुल। अरे ऐसे कैसे जा रहे, कुछ ठंडा करो। अरे आप तो सब गर्म ही गर्म, एकदम गर्म है। खुदा वेलकम 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 फ्रॉम वेस्ट इंडीज।
हादेश। क्या बोला? डायमंड डायमंड। कम इन कम इन कम इन कम इन। हियर इट इज। सी हियर गुड। अरे हेलो कहाँ जा रही हो भाया? अरे उधर के लिए ना। दिस 110,000। दिस 220,000। दिस 350,000। चार लाख 50,000। टोटल टोटल 1,50,000। 15,15,000। Come on, come on, quick, 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 quick. Bill, please. Bill? Bill. African bakro aayo hai, khub paisa laayo hai. Yeah, Bill. Quick, quick, quick. Chokho suno hai, bhaiya, chokho hai. Lao, 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 lao. Lao. Bhaiyo, kuch thando garam. Don't worry, everything will be all right. Thank you very much. Thank you. Aray, aray, aray. Payment, paisa, paisa. दिया दिया किसको? आपको। कभी? अभी। इधर इधर। कितना? 1550। अरे क्या रेट लगा रही हो भाया? अब भी मैं पुलिस को। डोंट टेक दिस ट्रबल, आई विल डू दैट। हेलो अरे बोलो कौन है वो छुपा रुस्तम श्री 420 जो हाथ की सफाई करके तुम्हारा कोहिनूर उठा के ले गया? इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, आप लुटेरे से पूछ रहे हैं कि लुटेरा कौन है? इंस्पेक्टर साहब, आई एम कमिंग फ्रॉम हादेश। डायमंड खरीदा, पेमेंट दिया, बिल लिया। पेमेंट नहीं दिया, पेमेंट नहीं दिया, झूठ बोलता है ये बक्से के अंदर माल रखा और आपको फोन किया। इंस्पेक्टर साहब, आई हैव गिवन हिम 15,50,000। नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया। गले में देखो, नोट का नंबर देखो, अभी बैंक से निकाला है। तिजोरी खोलो। मगर इंस्पेक्टर साहब आप। हवलदार शेप उठकर। यस सर। तिजोरी खोलो। नोट देखो। नोट पे ठप्पे देखो। अभी देखता हूँ सरकार। अरे भाया मेरी रेड काहे लगा रहे हो? सर बिल्कुल सेम नंबर। और इन नोटों पे बैंक का ठप्पा भी है। 1,50,000। ये नोट इसने नहीं दिए। मतलब ये पैसे तुम्हारे हैं? ये इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आ गए? मैं अब भी इनकम टैक्स वालों को फोन करता हूँ। अरे सर जी कह दो कि ये माल तुम्हारा है, वरना माल भी अंदर और आप भी अंदर, इनकम टैक्स वाले सब कुछ ले जाएंगे। ये पैसे मेरे ही हैं, इसी ने दिए थे। आ गई ना गाड़ी पटरी पर। मिस्टर हदीश, हदीश आप जा सकते हैं। शेख जी मेरा चाय पानी। जीवन है संग्राम बंदे, जीवन है संग्राम, जीवन है संग्राम बंदे, जीवन है संग्राम। निर्बल हो या रथी महारथी, निर्बल हो या रथी महारथी, सबका एक अंजाम बंदे, जीवन है संग्राम, जीवन है संग्राम बंदे, जीवन है किसका है चेहरा, क्या है तेरा नाम।
जीवन है संग्राम, जीवन है संग्राम बंदे, जीवन है संग्राम। नमस्ते, आप लोगों ने नवदुर्गा इन्वेस्टमेंट में कुछ पैसे जमा कराए थे? हाँ करवाए थे, बहुत सारे पैसे जमा करवाए थे, तुम्हारी कंपनी में बहुत सारे रुपए जमा करवाए थे, जमा करवाए थे, हम बर्बाद हो गए, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। 4% का ब्याज है ना, छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो। ये रख लीजिए, बाकी धीरे धीरे चुका देंगे। जिंदगी एक कर्ज है, कर्जा चुकाना है, कोई करे और कोई भरे, पैसा पुराना है, झेलने है जो लिए है, झेलने है जो लिए है, अपने सर इल्जाम बंदे, जीवन है संग्राम। अरे बंदूक दियो, अरे गुड्डे खुदा वाला कट्ठा है। पानी 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 पानी। तू पुलिस को खबर किया, 20% कमीशन लिया और अक्खा माल चंपा भाई के कोठे पर उड़ाया, क्या फायदा? पानी पानी चाहिए, पानी चाहिए, बहुत प्यास लगा है, मुंह खोल। पहले अरबी धो फिर अफ्रीका। चले भैया, आपने मुझे बुलाया? हाँ, ये हमारा लंगोटिया यार है, इसकी हीरे की दुकान लूट गई। अरे लूटी तो लूटी भैया, धुआं बन के हवा में उड़ भी गयो। लेकिन इस शहर में लूट मार का कॉन्ट्रैक्ट तो सिर्फ हमारे पास है। अरे भैया, तो फिर ये गुंडा पार्टी कटे से आई? तू पता लगा रही कौन है? तेरी तो अरे अभी तक मारा नहीं और पहले से ही चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने नहीं किया, वो उसने किया। तुम अच्छा, कॉलेज के जमाने से तरह तरह की आवाजें निकालने की आदत अभी तक गई नहीं तुम्हारी? पूजा पूजा, जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो पता नहीं कहाँ कहाँ से आवाजें आती हैं। मेरे सारे शरीर दिलो दिमाग में एक ही नाम गूंजता है, पूजा 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 डार्लिंग। कॉलेज छोड़ने के बाद दो ही चीजों के पीछे तो पड़ा हूं मैं, एक तो नौकरी और दूसरी पूजा। लेकिन क्या करूं, आज तक तो नहीं नौकरी मिली है और न ही मेरी पूजा। विल यू प्लीज शट अप, यहाँ मेरी गाड़ी खराब हुई है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? तो तुम नाराज क्यों होती हो? अगर गाड़ी ठीक होने से तुम्हारा मूड ठीक हो सकता है तो ये प्रॉब्लम भी मैं सॉल्व कर दूं। अच्छा, तुम्हें गाड़ी रिपेयर करना भी आता है? स्वीट हार्ट, मुझे क्या क्या नहीं आता। गाड़ी में बैठा दो तो ड्राइवर बन सकता हूँ, घर ले जाओ तो नौकर बन सकता हूँ, और अगर आग में ले जाओ तो लवर भी बन सकता हूँ, और अगर तुम चाहती हो स्पेशल केस में लाइफ पार्टनर भी बन सकता हूँ। शट अप, पहले गाड़ी ठीक करो। ओके बाबा, 2 मिनट में ठीक कर देता हूँ। क्या हुआ है ना? कुछ नहीं यार, गाड़ी में धोखा दे दिया। लेकिन मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा डार्लिंग। शट अप, गाड़ी ठीक हो जाए तो नेशनल पार्क ले आना, वरना यही रहने देना, समझे? कम ऑन यार, चलो पूजा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कौन हो तुम? सर वैसे तो मैं मैकेनिक हूँ लेकिन इस वक्त बेकार। तो मैं क्या करूँ,
नौकरी दे दीजिए। कोई नौकरी नहीं है। अच्छा तो फिर बिल ले लीजिए। काहे का बिल? देखिए आपकी बेटी की गाड़ी खराब हो गई थी, वो मैंने रिपेयर की, लेकिन पैसा देना भूल गई। अरे मेरी बेटी है, किसी ऐरा गैरा को मुंह नहीं लगाती। लेकिन साहब साहब। अरे तुम पीछे क्यों आ रहे हो? देखिए तो सही, आपकी बेटी ने खुद इस पे साइन किया है। तो क्या हुआ, वहाँ जाके बैठो, देसाई आएगा उससे पैसे ले लेना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ए ये सुबह सुबह क्या हिला रहा है? ए, हिला हिला के देख रहा हूँ। क्या देख रहा है? झाग। क्योंकि असली स्कॉच में झाग होता है, और तुम्हारा नकली स्कॉच में जब भी लाता हूँ झाग आता है। और पीने में भी मजा कमाल का। इसका राज क्या है? इसका राज नसीम के पास है, कि क्या डालना है, कितनी मिकदार में डालना है, उसे कैसे मिलाना है, ये सब ये जानता है। सर ये तो अपना ट्रेड सीक्रेट है। नसीम जी। सर आज कितना माल तैयार हुआ? 250 पेटी सर। बड़ा संभाल के होशियारी से लेके जाना और पहुंचा देना, और उसमें से एक पेटी नंदीराम के यहाँ पहुंचा देना। ठीक है सर। जाओ। ओके। अरे यार ये बता, आज सुबह सुबह अपना ट्रांसपोर्ट का धंधा बंद करके मेरे यहाँ क्या कर रहा है? अरे अपना यार धनी राम गोलचा है ना, वो अपना कोयले वाला जो अब हीरे वाला बन गया है भाया। हाँ। क्या हुआ उसे? कोई उसको उल्लू बेवकूफ बनाकर उसकी दुकान में घुसकर लाखों का माल लेकर गायब हो गया। किसने, कुछ पता चला? नहीं यार, मेरे आदमी सारा शहर छान मारे पर कुछ पता नहीं चला, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया। तुम भी अपने आदमी उसके पीछे लगा दो। अरे तू फिक्र मत कर, मैं अपने आदमी चारों तरफ फैला दूंगा, तू चिंता मत कर। ठीक है मैं चलता हूँ। ओके ये दो बोतल स्कॉच ले जा, मौज कर। हेलो। हेलो डैडी। यस माय डियर डॉटर, कहाँ से बोल रही हो? डैडी मेरी गाड़ी खराब हो गई है। क्या फिर से खराब हो गई? हाँ डैडी, खटारा गाड़ी थी, खराब तो होनी थी ना। और डैडी मैं बीच रास्ते में रुकी हूँ, और पता है आज टैक्सियों की भी हड़ताल है, और तो कैसे आऊँ डैडी? कोई मैकेनिक या तो कोई गाड़ी भेज दीजिए ना। लेकिन तुम बोल कहाँ से रही हो? जी मैं सांता क्रूज के डिपार्टमेंट स्टोर के सामने से बोल रही हूँ। अच्छा तुम वहीं रुको, मैं भेजता हूँ। ए, तुम अभी तक यहीं हो? सर सर वो कसाई नहीं मिला सर। अरे कसाई नहीं देसाई है। सर मेरा बिल? अरे बिल तो मिल जाएगा, तुमने कहा था ना तुम बेकार हो। जी हाँ सर। और फर्स्ट क्लास मैकेनिक हो? अरे सर कसम से। तो मेरी बेटी की गाड़ी फिर खराब हो गई। ओह वेरी गुड, मेरा मतलब वेरी बैड, वेरी सैड। तुम ऐसा करो, वो डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर खड़ी है। हाँ। तुम मेरी मारुति ले जाओ। जी सर। उसे ले जाके पहले घर छोड़ो, फिर बाद में गाड़ी रिपेयर करके वो भी घर पे छोड़ दो। ओके। तुम मेरे डैडी की कार में? जी हाँ मैडम, आज तो आपकी गाड़ी तक पहुँचा, कल आपकी इकरार तक, और परसों आपके प्यार तक। What nonsense? ये nonsense नहीं मैडम, romance है romance। ये बातें आप नहीं समझेंगे। चलिए आप गाड़ी में बैठ। मैडम आज से मैं आपकी खिदमत में हूँ। मैं आपका नया ड्राइवर। बीए पास करके तुम ड्राइवर की नौकरी करोगे? कहीं पागल तो नहीं हो गए तुम? मैडम जब लैला के लिए मजनू खूह का प्यासा रेगिस्तान में भटक सकता है, जब शीरिन के लिए बेचारा फरहाद दूध की नहर खोज सकता है, तो क्या मैं आपके लिए ड्राइवर भी नहीं बन सकता? गाड़ी रोको। हाँ मैं कहती हूँ गाड़ी रोको। ठीक है तुम जीते और मैं हारी। ओह युम्मा छुटकी विशाल। अच्छा तो आज करवा चौथ है, हर साल की तरह आज भी उस आदमी का इंतजार कर रही हो जो बरसों पहले हमें पीठ दिखाकर भाग गया। सागर आज प्रार्थना का दिन है, तुम्हें ऐसी अशुभ बातें नहीं करनी चाहिए। तो तुम उस आदमी के लिए प्रार्थना कर रही हो जिसने पीछे मुड़कर यह भी नहीं देखा कि उसके अपने किस हाल में जी रहे हैं। भूल जाना चाहता हूं उस आदमी को, लेकिन हर साल करवा चौथ के दिन तुम्हें देखकर उस आदमी की याद आ जाती है, खून के कतरे में आग लग जाती है। क्या क्या दिन नहीं देखे हमने उस आदमी की वजह से, खाने को रोटी नहीं, सर पर छत नहीं, क्या क्या ताने नहीं सुने हमने। चोर का बेटा, धोखेबाज की औलाद, पर आज आज भी क्या है हमारे पास? अपने नाम के आगे अपने बाप का नाम भी नहीं लगा सकता, किसी के सामने अपना परिचय भी नहीं दे सकता। शर्म आती है अपने आपको उसका बेटा कहते हुए। और तुम
बेटा उन्होंने जो भी किया हमारी खातिर किया ताकि हम आराम से रह सके। हाँ बहुत आराम मिला है हमें, बहुत सुख मिला। क्या बाप ने और भुगत रहे हम, वो मेरा बाप। खबरदार जो एक लफ्ज भी और कहा वो जैसे भी है मेरा सुहाग है, मेरे पति हैं, और मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि उनके साथ जरूर कोई धोखा किया गया है। धोखा तो हमारे साथ हुआ है माँ, जो उनके किए का प्रायश्चित हमें करना पड़ रहा है। नफरत करता हूँ ऐसे आदमी से मैं, नफरत। चल चल हवा आना दे, चल हवा। अभी तो पुलिस आएगी पुलिस। ए अंटर पंटर इस पे तरह ध्यान रखो कहाँ जाता है। मैं अभी पुलिस लेकर आई। ए लड़की अरे सुन तो। मुझे कुछ नहीं सुना है, कल तूने मुझे अंदर किया था ना, आज मैं तुझे अंदर करूँगी सारा हिसाब पिटूश। अरे भाई सुन तो। देख तू जो था वो अभी है नहीं, और अभी जो है वो पहले था नहीं। ये था और है के बीच, ये बूढ़े और जवान के बीच बहुत गड़बड़ है बाप, बहुत गड़बड़। तू चाहती क्या है? मैं अंधी बनती हूँ काय के लिए, माल के लिए। मैं गूंगी बनती हूँ काय के लिए, माल के लिए। चल चल निकाल, निकाल माल। ये चल माल वाल नहीं है, चल फुट। ए तो फिर हेरा फेरी के धंधे में पार्टनरशिप भी दे देना। किस लिए? मैं अंधी बनते बनते थक गई हूँ, और फिर तो आदमी दिल का बहुत अच्छा लगता है। नहीं इधर है, वरना मुझे जिन में क्यों छुड़ाने आता। दिल अच्छा तो दिमाग अच्छा, दिमाग अच्छा तो नियत अच्छी, नियत अच्छी तो सब कुछ अच्छा। बना लेना पार्टनर। सोचूंगा। अंडर पैटर्न अपनी तो लाइफ बन गई। आई आई सुनो, आज ये गाड़ी का काम पूरा होना चाहिए। सौतेले भैया इंस्पेक्टर पांडे आ गए। इंस्पेक्टर साहब। लाला जी आपने याद किया और बंदा हाजिर हो गया। पांडे साहब आज आपका ड्यूटी चेक नाका पे है ना? जी। वहाँ से हमारा एक ट्रक गुजरेगा, उसका नंबर है 777। करोड़ों का माल है उसमें, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल चेक नहीं होगा लाला जी, आपने कह दिया। अब तो वो गाड़ी चेक होगी जिसमें कुछ होगा ही नहीं। जिसमें आपका माल जा रहा है वो गाड़ी कभी चेक ही नहीं हो सकती लाला जी। बहुत समझदार लगते हो। जैकी पांडे साहब के साथ जाओ। चलिए पांडे साहब चलिए। अचानक सागर को बुलाने का मतलब गिरफ्तार करने का इरादा तो नहीं? अगर गिरफ्तार करना होता तो कब का कर चुका होता, लेकिन तू जो काम करता है ना वो हमें करना चाहिए और हम कर नहीं सकते। मुजरिम हमारे हाथ में तो आ जाते हैं, लेकिन कोई बड़े हाथ उसे रेशम की डोरी की तरह खोल कर ले जाते हैं। इसलिए हमने तुझसे हाथ मिलाया है। ये जो तेरा हाथ है ना, हाथ ये जब मुजरिम के थोपड़े पर पड़ता है ना तो मुजरिम का थोबड़ा कांच के गिलास की तरह टूटकर बिखर जाता है। मगर तेरी मदद के बिना तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अरे यार इसलिए तो मैंने हर कदम पर तुम्हारा साथ दिया है, और दोनों मिलकर मुजरिम को पकड़वाना चाहते हैं। ये ले तेरा कमीशन। थैंक यू। लेकिन सागर तू मुझे और भी कॉपरेशन दे सकता है। कोई बकरा नजर आ गया क्या? अरे बकरा नहीं, वही मगरमच्छ, बहुत बड़ा मगरमच्छ, गैर कानूनी शराब और ड्रग का ठेकेदार। मैं जब भी उसके ऊपर हाथ डालता हूं ना तो कोई ना कोई आकर मेरा हाथ रोक लेता है। सच कहता हूं वो मुजरिम नहीं, गुरु है। गुरु कौन है वो? लाला जी जय। सुनो माल आज रात में रवाना हो जाना चाहिए और कल शाम तक वहां पहुंच जाना चाहिए। ये अपना अपना कोटा लो और शुरू हो जाओ। जरा ध्यान देवे प्लीज।
हम है ऐसन चीज, सीटी बजावे करते कमाल, हो जाए छमाछम मच जाए धमाल। बगिया कट गई, खेतवा कट गई, जाने कितने लोगवा कट गए, चली जो नजर कटार, छपीले राजा चली जो नजर कटार। बच के रही अछमिया मोरी, सोलह की उमरिया तोरी, सोलह की उमरिया तोरी, होली भाल तू है हिरनिया, हाय होली भाल तू है हिरनिया, दुश्मन हजार लोगवा ढूंढे ला शिकार, ओ 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 लोगवा ढूंढे ला शिकार। नथनी ही ले, झुमका ही ले, हरवा ही ले, कंगना ही ले, घुंघरू की सुने झनकार, ओ छेला बाबू घुंघरू की सुने झनकार। जोगी सारे भोगी हुई गए, पागल हुई गए, रोगी हुई गए, उड़े जो चुनर हमार, रंगीले राजा उड़े जो चुनर हमार। सुनरी ओ गुलबिया मोरी, देख के चपनिया तोहरी, देख के चपनिया तोहरी, नियत का भरोसा नाही, नियत का भरोसा नाही, चुनरी संभाल मनवा फूटेला अनार, ओ 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 मनवा फूटेला अनार। अपनी तो है अजब कहानी, बूढ़ा पर छा जाए जवानी, ऐसन है रूप की मार, ओ हीरो बाबू ऐसन है रूप की मार। बर्छी टूटे भाला टूटे,
टूटे नटा का हमार सुरीले राजा टूटे नटा का हमार सोला नालिस गोरी बात लागी हम क्या तोहरी बात लागी हम क्या तोहरी तीर है कमान है तू गोरी तीर है कमान है तू लुटे तू करार करके सोला सिंगार वो 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 करके सोला सिंगार आप मैं हुदा लाला से फोन करके पूछूंगा कि हम आपके है कौन। दीदी तेरा देवर दीवाना हाय राम हुदा लाला। ये सब क्या है पांडे? पांडे नहीं घोर पड़े जिसके सामने अच्छे अच्छे गिर पड़े। पांडे कहाँ है? पांडे की हो गई छुट्टी, अब तुम्हारी सेवा करने के लिए हम हैं। बाहर जो ट्रक खड़ा है उसको कौन लाया? वो ट्रक आपका है तो आप गए बारह के भाव में। हवालदार शिफ्ट कर। यस सर। इसको अंदर बंद कर। क्या? आ जाना, आ जा। हमें इस ट्रक में दो बक्से मिले, एक हेरोइन का एक कोकीन का। हम इस ट्रक के मालिक को ढूंढ रहे थे, अच्छा हुआ आप आ गए, थैंक यू वेरी मच। ये ट्रक से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अरे ताल्लुक कैसा नहीं, ट्रक आपका है। मेरा ट्रक चोरी होने का कंप्लेंट लिखवाने आया हूं। कंप्लेंट लिखवाने? भाई साहब, चोरी की गाड़ी में गैर कानूनी माल पकड़ा जाए और गाड़ी पकड़ने के बाद कोई कंप्लेंट लिखे कि ये गाड़ी मेरी है तो वो मुजरिम है। लेकिन साहब, इसके चेहरे से तो ये फकीर लगत है लेकिन ट्रक में तो करोड़ों का माल है। मतलब ये मुजरिम नहीं है? नहीं नहीं नहीं, अरे साला जिसका ये माल होगा वो एक नंबर का कुत्ता कमीना होगा। जिसका ये माल होगा वो अगर मेरे हाथ में आ जाए तो मैं उसे कानून का काला जूता मारूंगा। अरे जिसका ये माल होगा वो तो साला सुअर का बच्चा होगा, कमीना होगा। हाँ, देखो साहब, हाँ? ये माल मैंने पकड़वाया है, मुझे कमीशन दे दो और अगर ये मालिक है तो इन्हें सजा दे दो। सजा दे दो? नहीं 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 नहीं, ये ट्रक मेरा नहीं है। अंदर एक लंबी मूछ वाला आदमी है, वही हरामी अपना ट्रक पकड़ के लाया। छोटू, जैसे वो बाहर निकले उसे उठा के मेरे पास लेके आना। अरे मुकद्दर के सिकंदर, कर दे साले 10 नंबरी को अंदर। तो कमीशन कर दे हमारे पॉकेट के अंदर। ये ले तेरी पॉकेट के अंदर। भाई साहब, माचिस है? लाइटर है? लाइए, आग ही तो लगानी है। लगाइए लगाइए, बाप का माल है। धन्यवाद। लेकिन वो गया किधर हो गया? सुतले भैया क्या कर रहे हो? सुतले भैया रुक तो जाइए, आप क्यों खामखा इसे मार रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए। अरे क्या सुनूं? वो मुच्छर पुलिस स्टेशन के बाहर निकला ही नहीं। फिर किधर गया? पता नहीं। अरे तुम लोगों को पता है हमारा सारा माल पुलिस कस्टडी में फंसा हुआ है, अगर उस मुच्छर को पकड़ के नहीं लाए हम सब बर्बाद हो जाएंगे। मैं आपको ऐसा बर्बाद होने नहीं दूंगा। वो मुछड़ बच के कहां जाएगा? उसको हम कहीं ना कहीं से ढूंढ के निकाल लेंगे। भैया, बुड्ढा आ गया। क्या ये वही बुड्ढा जो सबको पैसे बांटता है? लगता तो वही है। चल जाके इस बुड्ढे से चलते मिलते हैं। क्या राजा हरिश्चंद्र की औलाद बन रहा है? ये सब पैसे कहां से लाया तूने? क्यों भाई, क्या तकलीफ है? मैं हुदा लाला की कंपनी में काम करता हूं। हुदा लाला की कंपनी? जयराम जी नमस्ते।
बूढ़ा लाला की कंपनी में? अबे उल्लू के पट्टे, मैं खून बांटता हूँ, लाशें बांटता हूँ, अब पैसे बांटूंगा? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ऐसा वो बूढ़ा बोल रहा था। मेरा माल। कौन है तू? तेरे साथ भेस बदल के आऊँ मैं, उन हरामियों को थर्रा पिलाऊँ मैं, उनके सामने कमर मटकाऊँ मैं, उनको बेहोश कराऊँ मैं, और तू पूछता है कौन हूँ मैं? अरे तू तो पीछे ही पड़ गई यार। अब पार्टनर बनी हूँ तो पीछे तो पड़ूंगी ना। चलना हिस्सा निकाल। फिर हिस्सा? अभी तो सिर्फ नोट में हिस्सा मांगा। देखना आगे आगे तुझे मालदार से दिलदार भी बनना पड़ेगा। क्या मतलब? अभी के लिए तो सिर्फ नोट ही निकाल। चल अपना रास्ता ना। आंधी का धंधा छोड़कर तुझे पकड़ा, और अपना तो ये उसूल है, एक बार पकड़ लिया तब पकड़ लिया। अरे अभी कुछ नहीं हो सकता। सुनो तो सर। अरे देख देख मत ले जा इसे। अबे हम लोग का टीवी लेके कहाँ जा रहा है? उस दिन तो रख के गया था, आज लेके जा रहा है? अरे तुम्हारे मामा ने इंस्टॉलमेंट नहीं भरे। ए इंस्टॉलमेंट मैं कुछ नहीं जानती यार, टीवी रख। अरे बेटा ले जाने दे इसे, मैंने इसके इंस्टॉलमेंट नहीं दिए, मटके में घुस गए। मामा तेरे मटके का तो, तू टीवी रख, तेरे इंस्टॉलमेंट में अभी के अभी देती हूँ। रख रख रख। कितना इंस्टॉलमेंट है रे तेरा? हजार हजार के चार इंस्टॉलमेंट बाकी है, मालूम है? ये रहा तेरा पहला इंस्टॉलमेंट, ये रहा तेरा दूसरा इंस्टॉलमेंट, ये रहा तेरा तीसरा, और ये तेरा चौथा इंस्टॉलमेंट। चल टीवी लगा। ए बेटी तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? तेरा भी मटका लगा क्या? पाना लगा होगा पाना? अरे नहीं मामा, पाना वाना कुछ नहीं। तो? मेरे हाथ तो एक खजाना लगा है, एक दीवाना मस्ताना। जी आप विद्याचरण जी? जी मैं विद्याचरण हूँ, कहिए क्या काम है? जी मैं नवदुर्गा इन्वेस्टमेंट से आया हूँ। अच्छा अच्छा, आप नवदुर्गा इन्वेस्टमेंट से आए हैं? आइए आइए पधारिए, आइए बैठिए। ये जो कुछ देख रहे हैं ना, यही बचा कुछ है, इनको भी ले जाइए, लूटने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुशी से दे रहा हूँ। हाँ चौंकने की कोई जरूरत नहीं, आप लोग चोर हैं, चोर। देखिए आप मेरी बात तो सुनिए। क्या बात सुनूंगा भाई, जिंदगी भर नौकरी किया, मेहनत किया, पैसा कमाया, एक पूंजी बनाया, सपना देखा, अपने लड़कों को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा इंसान बनाऊंगा, टूट गया। तुम लोगों ने सब कुछ लूट लिया, का नतीजा क्या हुआ जानते हो? वो पागल हो गया, आज जेल में पड़ा हुआ है, नशा भंग करके बर्बाद हो गया। ये बेचारी मेरी लड़की, इसका रिश्ता तय हो चुका, वो भी टूट जाएगा क्योंकि तुम लोगों ने हमको लूट लिया। अब तू भी बता भाई मैं क्या करूं, उसकी शादी कैसे रचाऊं? आपकी बेटी की शादी होगी और बड़े धूमधाम से होगी। क्यों भाई, लूटने का कोई नया चल सोचा क्या? इसे रखिए और अपनी बेटी की शादी का इंतजाम कीजिए, बाकी पैसा शादी के दिन आकर दे जाऊंगा। सुनो भाई, मुझसे पहचानने में भूल, जो कुछ भी मैंने कहा उसके लिए मुझे माफ कर। अरे नहीं नहीं, इसमें माफी की क्या बात है, मैं भी आपकी तरह एक साधारण आदमी हूं, आपने जो कुछ भी किया है शायद आपकी जगह मैं भी यही करता। अच्छा मैं चलता। अरे कोई बात, कहाँ गुल हो गया? उधर देख तो जरा।
है किधर ये? वाह माची साहब भाई साहब, थैंक यू। ये तो थैंक यू बोल के चला गया, लेकिन वो बुड्ढा कहां गया? आप आ गए? ये देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूं। क्या देख रहा है? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? अरे ये क्या रट लगाए हुए हो, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता? नहीं माँ। अरे छोड़ यार, ये देख मैं तेरे लिए कैसा शर्ट लेकर आया हूँ। अरे तू देख क्या रहा है, तेरे भैया कपड़े लेकर आए हैं तेरे लिए। लेकिन वो तो बूढ़ा था। अरे बाबा देख, अगर तुझे पसंद नहीं है ना मैं इसे वापस दे रहा हूँ। नहीं भैया मुझे ये चाहिए। तो फिर जा, जाकर पहनकर दिखा। पहले नकल निकालने की आदत थी, अब एक्टिंग करने की आदत पड़ गई है। अरे जा देख कर जा। देख बेटी, मैं बचपन से तुझे भी जानती हूँ और अपने उस लाडले को भी। उसकी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। वो कह रहा था कि उसने तुम्हें किसी बूढ़े के रूप में देखा है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? अरे माँ तू भी इसकी बातों में आ गई, एक शक्ल के दो इंसान नहीं हो सकते। हो सकते कि नहीं? क्यों भैया कैसा लग रहा हूँ शर्ट में? अरे वाह तू तो एकदम हीरो लग रहा है। भैया मैं बटन लगाते हुए सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता। हट। लेकिन भैया ये शर्ट मुझे बहुत पसंद है। सोते भैया आप परेशान ना हो, वो मास्टर जी की बेटी की शादी में पैसा देने जरूर आएगा, बच के कहां जाएगा। नमस्कार। अरे आ जाएंगे। आई आई अच्छा हुआ आप आ गए, मैं तो घबरा गया था, उधर सब बराती आ गए हैं और हैं? ये रही आपकी चिटफंड की कमाई, अब तो मेरे लिए भगवान। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अच्छा मैं चलता हूँ, बहुत बहुत मुबारक हो। चकी मैं चलता हूँ, आपकी शादी खराब नहीं होनी चाहिए। अरे कौन है भाई आप, आपको क्या चाहिए हैं? ए बुड्ढे, वो मुनीम कहाँ चला गया? अरे मुझे क्या मालूम मुनीम कहाँ चला गया, आपको क्या चाहिए, कौन है आप?
ये लो जी थोड़ा सामान। प्राजी कौन लोग थे? सुनो प्राजी, अरे मुझे कहाँ लेके जा रहा है तू? आओ तो सही, आओ तो सही। ये देखो, नई टैक्सी। ये किसकी है? मेरी है माँ। तेरी है? ये कैसे हो सकता है? भैया जिंदाबाद। तुझे इतने पैसे कहाँ से मिले? अरे माँ उल्टा सीधा मत सोचो, मैंने फैक्ट्री के मालिक से लोन लिया, बाकी पैसा बैंक ने दिया, टैक्सी खरीद ली। अच्छा अच्छा, देखा माँ, आज भैया की वजह से मैं एक टैक्सी का मालिक हूँ और अपनी मर्जी का मालिक हूँ। जब चाहे टैक्सी चलाऊं, जब चाहे आराम कर लूं। तू आराम करेगा? अरे नहीं भैया, मेरा मतलब है अगर थक जाऊं तो। समझा करो ना भैया। भैया मुझे टैक्सी में नहीं बिठाओ? अरे क्यों नहीं मेरी छुटकी, चल बैठ। माँ तुम भी चलो। भैया आप मीटर डाउन कीजिए और आप भी बैठिए। गणपति बप्पा मोरिया, चल चल जल्दी चले। हाँ चलो। अरे चलो माँ, मीटर के पैसे तो 9 रुपए। क्या मुझसे लेगा तू? अरे माँ ये मीटर डाउन किया उसके पैसे तो देने पड़ेंगे ना। अच्छा सागर बेटे, जरा मुझे 10 रुपए देना। ये लो, ये ले तेरे मीटर के 9 रुपए और 1 रुपया टिप। थैंक यू माँ। माँ आज आपके और भैया के आशीर्वाद से आज मेरी जिंदगी की गाड़ी निकल पड़ी। सुनो, नकली स्कॉच की विस्की पीछे रखना। हाँ। और इलेक्ट्रिकल सामान सब आगे रखना ताकि कोई चेकिंग करे तो पता ना चले। सब सामान उसी तरह रखा है साहब। हाँ, चलो जल्दी करो, चलो जल्दी करो। अरे संभालो, तुम लोग से काम नहीं होता है, क्या करते हो? हाँ ए, कौन है तू? अंधी हूँ बाबूजी, मुझे कुछ दिखाई भी नहीं देता। अच्छा अच्छा, चल सीधी यहाँ से चली जा। अरे साहब अंधी है ये, बहरी नहीं, इसने हमारी सारी बातें सुन ली होंगी। लड़ गई, हमारी क्या बातें सुनी तूने? सुनी कुछ भी तो नहीं, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता ना, बहरी भी तो हूँ। अच्छा बहरी हाँ। भी है, चल जाए यहाँ से। ए जल्दी करो, टाइम कम है हमारे पास। ये बहरी है तो मेरी आवाज पे रुकी कैसे? ए लड़की, भाग गई, भाग। ये तो भाग गई। सर आपके लिए लड़का बाहर आया था कैसेट देकर के। कैसेट? जी। हेलो, कैसेट मिल गया? कौन सा कैसेट, कैसा कैसेट? एक उसे बहुत काम की चीज है। ठीक है, तो अच्छी नौकरी मिली है। ऊपर से पानी पियो और अभी नीचे से पानी निकालो, मैं अभी जाके आता हूँ। मैं भी जाके आता हूँ। अरे इतना कम किया आज? बड़ी मुश्किल से निकाला है। अबे और पानी पी। अभी तो पिया था। ठिकाना और पानी पी, 2-3 बोतल और पी जा। अच्छा साहब। ये लीजिए साहब। अरे वाह, आज अच्छा किया। बुड्ढा खुश हो जाएगा। बुड्ढा? इधर आ। हाँ। इसको ले जाके सील कर दे। ठीक है साहब।
हेलो कौन है? वही जो तेरी नकली शराब का असली फॉर्मूला जान गया है, ऊपर से पानी पिलाता है और नीचे से बोतल भरवाता है। अरे आखिर तुम चाहते क्या हो? राज छुपाने की कीमत। कीमत? कौन सी कीमत? मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? और अगर मैं ना दूं तो तेरे पास जो वीडियो कैसेट पहुंचा है उसकी कॉपियां बनाकर अगर केबल टीवी पर चला दूं ना, तो जिन लोगों ने तेरी शराब पी है वही पब्लिक तेरी हड्डियां तोड़ देगी। क्यों मेरे बिजनेस के पीछे पड़ा है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मेरा नहीं, पब्लिक का। तो तू क्या पब्लिक का नेता है? मैं नेता नहीं मगर तेरा पीता हूँ, लेकिन मैं पीता नहीं। बोल पुलिस स्टेशन जाऊं या? अच्छा मेरे बाप मेरे पिता, जरा खुल के बताओ ना। तेरी फैक्ट्री के सामने कचरे का डिब्बा है, उसको वहां से हटाना है, अभी हटवा देता हूँ। अबे नहीं, इस राज को राज रखने की कीमत 50 लाख रुपए उस कचरे के डिब्बे में छोड़ देना। क्या 50 लाख? क्यों मंजूर नहीं? कैसेट पुलिस स्टेशन भिजवा दूं? नहीं नहीं नहीं, मंजूर है मंजूर है मंजूर है। फिर शाम को ठीक 6 बजे पैसा पहुंच जाना चाहिए। हाँ ठीक है। देखें साला कौन आता है लेने को। एक बार मेरे हाथ आ जाए साले को छोड़ूंगा नहीं। अरे धुआं निकल रहा है। अरे देख नसीब मेरे नोट चल रहे हैं। अरे पकड़। लेकिन सारा कुछ भी बोलो, अपना यार का फैक्ट्री में बना हुआ दारू नकली स्कॉच है, मगर मजा है इसमें। ये झाग वाली है। इसीलिए तो अंग्रेजी दारू नहीं पीता मैं, सिर्फ यही पीता हूँ। अरे आओ पास्कल भाया, आओ 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 आओ, लगा लो थेवी एक दो चुस्की। को नहीं बोले है? अरे क्या हुआ रे, ऐसी नजर से क्या देखता है? पीले तेरी फैक्ट्री का माल है। नहीं। क्यों? मेरी नकली दारू बनाने की पोल खुल गई। तो कौन सा आसमान टूट गया? अरे जिन जिन ने मेरी नकली दारू पी होगी ना, वो साले सब आके मेरी हड्डियां तोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि मेरी नकली दारू में जो झाग बनती है ना, उसका राज फाश हो गया। कैसो राज भाई हो? अरे बोलना, झाग कैसे आती है? पेशाब मिला के। भैया वो देख, उस दिन वाला हैरान। यही है ना साला जिसने हमारा खेल खराब किया था। चला दो। अरे रुक, ओए रास्ते में रोड़े क्यों पा रहे हो? जाओ जाओ, मैंने जान दे। पहले उस दिन का हिसाब तो चुकता कर ले। तुझे उस मुनीम के बीच में पड़ने की क्या जरूरत है? तेनु शर्म नहीं आंदी? अरे तू गबरू जवान है, वो बुढ़ा सी, मैं उन्हें बचा लिया। तू की करेगा मुन्ना? तू क्या कर लेगा बोल, तू क्या कर लेगा? हाँ मुन्ना, you
धन्यवाद। आपके सर से खून बह रहा है, चलिए आपको डॉक्टर के पास ले। अरे नहीं, इस दा इलाज तक घर हो जाएगा, तुसे मेरे नाल चलो चलो चलो। आओ आओ, ये अपनी छोटी सी कोठी है, बैठो बैठो। अब बैठिए, पहले आपको दवा लगा देता हूँ। अरे नहीं, दवा मैं लगाता हूँ, वो कबाड़। आप बैठिए, मैं ले आता हूँ, बैठिए। वो कबाड़ भी। अरे प्राजी, तुसी सच बोलिया, तेरा असूल खून के बदले खून, एहसान दे बदले एहसान चुका देता। अरे साड़ी जान बचा के तूने सारा हिसाब चुका देता। अरे मेरे ऊपर बड़ा एहसान किता तुसी। ओम प्रकाश बाबू, एहसान तो वो होता है जो करके भुला दिया जाता है, जो याद दिलाया जाए वो एहसान नहीं, अपमान है। प्राजी, तोड़ी बातें बड़ी गहरी है। गहरी गहरी बातें तो वही करते हैं जो गहरी चोट खाए हो। अरे तू से अपने दिल की लगी चोट सानू बता दे, तेरी हर जख्म मैं भर दूंगा। मेरे जख्म बहुत गहरे हैं ओम प्रकाश जी, उसमें जितना मरहम लगाएंगे वो उतने ही गहरे और गाढ़े होते जाएंगे। इसीलिए मैं अपने जख्म का इलाज खुद करता हूं। ये दोनों साला एक दूसरे को जानता है। ये मुनीम का बच्चा कौन है भाई? ये हमारे छोटू और जैकी को झूठ बोला था। जा उसको पकड़ के लेके आओ। उसका घर जानते हो? हाँ भाई। तो जाओ लेके आओ। ये मुनीम है, ये आफत की जड़ है। पाता, मेरा मालिका। बड़ी नठेनिया बनी घूम रही है, बड़ा हाथ मारा क्या? सिर्फ में इंप्रेशन जो मारना है, मेरा हिस्सा निकाल। अरे कौन है तू यार? अंधी बनकर नकली दारू का लफड़ा देखूं मैं, तेरे घर आके खबर करूं मैं, तेरे साथ खतरे में भी पड़ूं मैं, और तू पूछता है कौन हूं मैं? अरे तू तो पीछे ही पड़ गई यार। अरे पीछे क्या, मैं तो तेरे साथ साथ हूं। अपनी दिल से पूछ, अपने धड़कन से पूछ, मेरी आंखों से पूछ। तू अभी अपना रास्ता नापेगी या नहीं? रास्ता नापते नापते मैंने तो लगता है तेरा दिल ही नाप लिया। तू मेरा दिल कब नापेगा? अरे चुप यार, ये ले, बचा लट। Jai Ram, Jai Jai Ram, 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 Jai
मेरे पीछे मत आना, मेरे दूंगा एक लाफा रे। धुन धुना धुन धुना धुन धुना धुन धुना बोले मन एक तारा रे। प्रेम की बोली ओई अम्मा, प्रेम की बोली रे। और दिल की खोली कब से खाली है मेरे हम जोली रे। दिल की खोली ओई अम्मा, दिल की खोली रे। नहीं मालूम। बोल वो कहाँ है? अगर मालूम भी होगा ना तो भी नहीं बताऊंगी। तुझको लापता कर दूंगा ना, तब वो तेरे को ढूंढता हुआ आएगा यहाँ। अरे क्या क्या चर्बी उतार इसकी। कुत्ते
पकड़ ले इसको। और डालू अरे बाप रे, अरे पानी डालो जल्दी। हाँ मामा, ये तो होना ही था। आज मामा की जान बच गई, लेकिन कल लड़की की जान को खतरा हो सकता है। आज उन्होंने घर जलाया, कल लड़की को जला सकते हैं। हाँ, वो लोग मुझ तक पहुंचने के लिए फिर यहां आ सकते हैं। फिकर मत कर, आज से तेरी ये तितली मेरे घर में मेरे साथ मेरी बहन बन के रहेगी। अरे अरे भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहा हूं, सोता रहेगा अलसी तो गाड़ी कौन साफ करेगा? अरे भैया क्यों मुझे शर्मिंदा करें, कल से मैं प्रॉमिस करता हूं कि रोज सुबह उठ के टैक्सी मैं धोऊंगा। ठीक है, मैं तैयार होकर आता हूं तो गाड़ी साफ कर, बाद में मुझे लिफ्ट दे देना। ओके भैया। पार्टनर सागर, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूं, अगर तुम उसे ना दे तो मेरा न जाने क्या होता। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। आज तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी सुधर गई। बचाओ! 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 अरे प्राजी, अरे तू उसे तो जवान लग रहा है। मैं देखा एक बुड्ढा पानी के अंदर गया और बाहर जवान निकला। अब मैं ढूंढ रहा हूं कि बुड्ढा किथे गया। अब समझा, तेरा खेल कमाल दा है, तू बंदा ही कमाल दा है। तुसी फिकर ना करो, तेरा राज साढ़े नाल ही रहेगा। सत श्री अकाल। अरे सागर बेटा, सुन, ये ले खाने का डब्बा, और आज मुझे डब्बा खाली चाहिए, रोज खाना खाने भूल जाता। अच्छा बाबा, अच्छा। अरे चलो चलो भैया, जल्दी करो, चल 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 बैठ। भैया ये आपको कोई खास दोस्त है क्या? अरे बहुत खास, साड़ा बहुत गहरा रिश्ता है। तू गड्डी गियर बिछा, चल। भैया आपका ये दोस्त तो बड़ा अजीब है। अच्छा मैं चलता हूं भैया। सुनो प्राव जी, देखिए भाई साहब, अगर आप मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये आपके हक में नहीं होगा, क्योंकि आपका रास्ता अलग है और मेरा अलग। अरे सुनो प्राजी, मैं तो हड़ी मदद कराऊंगा, तुसी मेरी मदद करो, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने अपनी जंग अकेले लड़ी है साहेब। ये फोटो तुम्हारे पास? तुसी इन तीनों का लाखों का नुकसान किता से, मगर उससे कई गुना बड़ा नुकसान ये तीनों तोड़ा कर चुके हैं जी। तोड़ी मां का नाम दुर्गा सी जी,
उसके माथे पर सिंदूर देखकर बड़ा अफसोस हुआ। से क्या मतलब? वो सिंदूर मिट चुका है। खबरदार, जो एक लफ्ज भी और कहा, वो जैसे भी है मेरा सुहाग है, मेरे पति हैं। और वो मिटाने वाले है ये तीनों, अपनी बाप की पीठ को नहीं पहचान सकता जिस पर बैठकर बचपन में खेला करता था। और एक दौर से देख, इन हथियारों का छोटा मोटा नुकसान करके ये मत समझ कि तूने बर्बाद कर गया उन तीनों का करोड़ों का कारोबार जिस क्लब में चलता है। उसका पता तुझे तो जानते ही नहीं हो। जब तक उसको आग नहीं लगाओगे, ये जहरीले सांप अपने बिल से बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, चलते हैं। कहां है वो सांपों का बिल? उन्हें तक पहुंचना इतना आसान नहीं। शमशान दी आग जलती है वहां। मेरे सीने में जलने वाली आग से बहुत कम ठंडी होगी वो आग। और फिर उन तीनों का शमशान भी मैं हूं, आग भी मैं हूं। हट जा मेरे सामने से, ये भी मेरे बाप का कातिल है। मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। पागल हो गया सागर? अगर इन लोगों को मारना होता तो मैं कब का मार चुका होता। मेरे पास भी पिस्तौल है, निशाना मुझे भी लगाना आता है। लेकिन भूल गया वो कसम, जिस तरह इन लोगों ने अपने लोगों को हमसे छीन लिया, उस तरह हम भी इनके लोगों को इनसे छीन लेंगे। इनकी सारी दौलत छीन कर इन्हें बर्बाद कर देंगे हम। ये जिंदा रहेंगे लेकिन इनमें जिंदगी नहीं रहेगी। इसलिए तो ये वर्दी पहनकर भी हर कदम पर मैंने तेरा साथ दिया है। और तू चाहता है कि मैं अपने हाथों से तुझे हथकड़ी पहनाऊं? होश में आजा सागर, होश में आजा। इनके जिंदगी का सूरज डूबेगा, जरूर डूबेगा। प्लीज प्लीज। सागर, क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो? इतने सालों से जिस बाप से नफरत करता रहा, इतने सालों से जिसकी मां इंतजार कर रही है, अब पता चला कि वो इस दुनिया में नहीं है। तो तुम ये बात मां को पता क्यों नहीं देते? नहीं देती। 15 सालों से मां जिसके नाम का मांग में सिंदूर भर के जी रही है, अगर उन्हें यह खबर दूंगा तो मेरी मां जीते जी मर जाएगी। बहुत दुख सा है मेरी मां ने हम लोगों के लिए। जिस उम्मीद पे वो जी रही है, अगर उसी उम्मीद पे जी तो ही अच्छा है। मगर तू उनको नहीं जाने देना जिन्होंने तुम्हारे बाप को नहीं जाने दिया। तुम? हाँ मैं। देखो सागर, मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुम दलाला धनीराम और पास्कल की तबाही देखना चाहते हो। मगर तुम तो कहते थे कि वहां जाना आसान नहीं है, वहां शमशान की आग जलती है। ओए तू से उसकी फिक्र ना कर सागर, क्योंकि उस क्लब में प्रोग्राम होने वाला है। मैं उन तीनों को फोन करके ऐसी जगह बुला लूंगा ताकि तुम्हें क्लब के अंदर जाने में आसानी होगी। हेलो, खुद्दा लाला लांबी वाला, लग गया ना धंधे को ताला। कौन है भाई तू? पास्कल भट्टी वाले को फोन दे। अपने ही कोई असली नाम से पुकार रहा है। हेलो, कौन है तू? तुम्हारे सारे काले धंधे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे अपुन ने साला तेरा क्या बिगाड़ा है? अगर मुझसे बचना चाहते हो तो आज शाम को 6 बजे काली टिकड़ी के पास मुझे मिलना। और हाँ,
साथ में कोयले वाले को भी लेके आना। जगह तो यही है, काली टेकरी है वो हराम को बच्चों, बिकी मायने बिको छोड़ूंगा को नहीं मैं। चलो उधर देखते हैं। चलो आओ। चलो। अरे कहाँ है साला, जगह तो यही बताया था ना। वेलकम वेलकम, तुसी आ गए हो। आना ही पड़ा ना मेरे पास। आ जाओ आ जाओ। अरे साला मरा क्यों? अरे भाई तो हंस रही हो, मरियो को नहीं। अब मरेगा साला। आ? ये तो साला कटआउट है, बना गयो भाई का। टेप रिकॉर्डर। मुझे मालूम था तुम लोग अपनी जात दिखाओगे। तुम क्या समझते हो मुझे मारना इतना आसान है? बाकी है बात
गाड़ी क्यों रोक दी? कहाँ जा रही है माँ? मैंने जिंदगी में बड़े दुख उठाए हैं बेटी, लेकिन आज जो तूने मुझे सदमा दिया है वो मैं अपनी आखिरी सांस तक नहीं भूल पाऊंगी। तू मुझे गलत समझ रही है माँ। अफसोस तो इसी बात का है कि मैं आज तक तुझे समझ ही नहीं पाई। मेरे विश्वास के आईने में आज ऐसा पत्थर पड़ा है कि जिंदगी टूट कर बिखर गई। मेरी औलाद, मेरा अपना खून, मेरा बेटा ऐसी सड़क पर चल रहा है जिसकी दरवाजे जेल की दीवारों में खुलती हैं। मेरी बात तो सुन माँ। मुझे कुछ नहीं सुनना। पाप की कमाई से बनी इस छत के नीचे मुझे एक पल नहीं रहना। ये छत पाप की कमाई से नहीं बनी है माँ, इसकी एक एक ईंट में मेरा खून पसीना लगा हुआ है। मेरा विश्वास कर तू। विश्वास करो तुझ पर? माँ की दीवी शिक्षा भूल कर धोखेबाज बन गया तू। माँ, मैंने उन्हीं लोगों को धोखा दिया है जिन लोगों ने हमें कभी धोखा दिया था। तूने धोखा दिया ना, तू आज तक अपने पिता से इसीलिए नफरत करता है कि दुनिया उन्हें धोखेबाज कहती है। उनके कर्मों से हम बेघर हुए थे, आज तू भी तो वही कर रहा है। फिर से बेइज्जत होने से तो अच्छा है कि हम घर छोड़कर चले जाए। माँ नहीं, मुझ में और सहने की शक्ति नहीं है। मुझे मत रोक, मुझे छोड़कर मत जा। माँ देख, अगर तूने मुझे रोका तू मेरा मरा मुंह देखेगा। चल बेटे। वो हुए अपने पराए दिल दुखाने को, तू है मेरा मैं हूं तेरा सब दिखाने को। माता पिता और मित्र बंधु, माता पिता और मित्र बंधु, सब है केवल नाम बंधे। जीवन है संग्राम, जीवन है संग्राम बंधे, जीवन है संग्राम।
तुम लोग यहीं रुको, मैं देखता हूं। अभी तक जिंदा है, यह सारा खेल आपका है। इस खेल में आपने अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा। आपको मुझसे क्या चाहिए? इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए। जो कुछ भी चाहिए मुझको चाहिए। इस कहानी का असली कहानीकार मैं हूं, मैं रामजादे कुत्ते मैं। पहले ये तो देख लो। ये तो सिर्फ एक मोहरा थे। ये सारा प्लान मैंने जेल में बैठकर किया था। पास्कल मुझसे मिलने जेल में रोज आया करता था। वही मैंने उसे बताया कि पब्लिक को बैंक मैनेजर कैलाशनाथ पर पूरा भरोसा है। कैलाशनाथ को विश्वास में लेकर एक इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन खोल ले, जिसमें लोगों को 4% ब्याज देने का लालच देकर उनका सारा पैसा हड़प कर ले। जब इनको असलियत का पता चला तब ये उनकी चुंगल में फंस गए थे। और एक दिन जब ये उनके पास गए आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, 3 महीनों से मैं वहां परेशान हूँ। लोगों ने ब्याज के लिए मेरा जीना हराम कर दिया है। जो पैसा हमने लोगों से इकट्ठा किया था वो लोग मांग रहे हैं। वो पैसा है कहाँ? आदर को दिखाता हूँ रुपए। आजा 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 आजा। ये रहे। अब रही बिजनेस में लगाने की बात, तो भैया बिजनेस में लगा के इन पैसों की कमाई से कोई 4% को ब्याज दे सके के? अगर नहीं दे सकते तो लोगों का पैसा लोगों तक वापस पहुंचा दो। अरे क्या पांडू की तरह बात कर रहा है? ये पैसा लोगों को वापस देने के लिए थोड़ी जमा किया है, ये तो आपस में बांटने के लिए जमा किया है। ये तो सरासर बेईमानी। अरे देख रहे बेईमानी का ही धंधा आजकल सबसे टॉप का धंधा है। ये ले अपना हिस्सा ले और फूट ले यहाँ से। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। मैं लोगों का पैसा लोगों तक पहुँचा के रहूंगा। उसके बाद इन्हें मरा हुआ समझकर नदी में फेंक दिया गया, लेकिन अपनी खुशकिस्मती से बच गए। बचने के बाद इन्होंने तुम लोगों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम लोग कहीं जा चुके थे और इन्होंने अपनी जिंदगी से हार कर अपने आप को कानून के हवाले कर दिया। उसके बाद इनकी मुलाकात मुझसे जेल में हुई। मैंने तो देखते ही इन्हें पहचान लिया और समझ भी गया कि उन तीनों ने पब्लिक का सारा पैसा हड़प कर लिया था। और जेल से बाहर निकलने के बाद मैं अपना हिस्सा मांगने उनके पास चला गया। उन्होंने मेरा हिस्सा देने से इनकार कर दिया। तब मैंने सोचा कि मैं इन्हें बर्बाद कर दूंगा। उसके बाद मुझे पता चला कि तुम उन्हें बर्बाद करने का बीड़ा उठाए हुए हो। उसके बाद का तो तुम्हें मालूम ही है। मैंने तुम्हारी मदद की है, अब तुम मेरी मदद करो। नहीं बेटा, इसकी बातों में मत आना। ये लोग हम लोगों की जिंदगी से खेलना चाहते हैं। तुम्हारी जिंदगी से तो हम खेलेंगे ही। वो देखो। अब तीसरी बार ये बटन दब गया तो इनका क्या हाल होगा तुम सोच सकते हो। मुझे मर जाने दे बेटे, मेरी परवाह मत कर। वैसे भी मैं किसी काम का नहीं हूं। बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे तो इनकी जिंदगी में आप मरे हुए ही थे, लेकिन वो लोग अभी तक जिंदा है। तुम मुझसे क्या चाहते हो? ये हुई ना काम की बात।
यह है एक बिल्डिंग का नक्शा। इस बिल्डिंग में ज्वेलरी का एग्जीबिशन भरने वाला है। अभी हम लोग यहां खड़े हैं, तुम इस मैनहोल से सीधा नीचे जाओगे, सीधा चलते चलते आगे जाकर तुम बाएं मुड़ोगे, तुम उस जगह के नीचे पहुंच जाओगे जहां एग्जीबिशन लगी हुई है। तुम्हें ब्लास्ट उसी जगह करना है। यहां से हीरे और ज्वेलरी लेकर तुम सीधा उसी रास्ते से वापस आओगे हमारे पास। ये काम करने के लिए तुम्हें 2 घंटे लगेंगे। जब तुम ब्लास्ट करोगे तो उस ब्लास्ट को छुपाने के लिए हम नकली शादी में ब्लास्ट करेंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो हमारा ये शार्प शूटर तुम्हारे साथ रहेगा। इसका निशाना कभी नहीं चूकता। अब घड़ी मिला लो। मेरी घड़ी में इस वक्त 7:01 कम है। 9 बजे तक तुम्हें ज्वेलरी लेकर वापस यहां आना है, और अगर नहीं आओगे तो ये लोग इस दुनिया से बहुत दूर जा चुके होंगे। तो 7 बजे, 7:01, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। बराबर टाइम पे आया। देख, मैं तो मरूंगी लेकिन तू भी नहीं बचेगा।
भून के रख दूंगा। तू हमेशा दिमाग लगाता रहा और माल हम खाते रहे, इस बार भी तूने अपना दिमाग लगाया और हम माल खाएंगे। धनीराम चल हीरे लेके आ। अभी आया। बचाओ बचाओ। भाया मैंने नहीं मार, मैं फिर से कोयले की दुकान खोल लूंगा। अच्छा, चुपचाप वो बैग मेरे पास दे दे। नहीं दे। ये ले भाया। अब भाग भाग भाग। तुम लोगों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन खबरदार मेरे पीछे कोई आया तो सीधा गोली से उड़ा दूंगा। बेटी मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं आपको सारी जिंदगी भर गलत समझता था। बेटा सागर, मुझे माफ कर देना भैया। धीरे धीरे बोलना मेरे संग बोलना, ओ धीरे धीरे बोलना मेरे संग बोलना, धीरे धीरे बोलना मेरे संग बोलना। आज करी दिल को सोने चांदी से ना तोलना, धीरे धीरे बोलना
धीरे बोलना मेरे संग डोलना, धीरे धीरे बोलना मेरे संग डोलना। Thank you.